आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप एक्सिस बैंक में एड्रेस ऑनलाइन कैसे अपडेट करा सकते हैं। अगर आप किसी भी पर्पस से अदर जगह शिफ्ट हो जाते हैं और शिफ्टिंग की वजह से अगर आपने एड्रेस अपडेट नहीं किया है तो जो भी कम्युनिकेशन होता है बैंक की तरफ से तो आपके पुराने वाले एड्रेस में होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप एक्सिस बैंक में ऑनलाइन एड्रेस कैसे अपडेट करा सकते हैं, जिसके लिए आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एड्रेस अपडेट करेंगे और इंस्टेंट आपका आपके बैंक अकाउंट में एड्रेस अपडेट भी हो जाता है। तो बने रहिए इस वीडियो में, अंत तक मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाऊंगा। तो गाइस, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। एक्सिस बैंक में ऑनलाइन एड्रेस अपडेट कराने के लिए आपको एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। इसके लिए अपने मोबाइल या लैपटॉप में कोई एक ब्राउजर ओपन करेंगे। ब्राउजर में आपको सर्च करना है axisbank.com या फिर पर्टिकुलर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। आप उस पर क्लिक करके भी आप डायरेक्ट एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं। जैसे इस वेबसाइट पर आएंगे कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। राइट साइड में एक लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप खुलकर आएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप तीन तरीके से लॉगिन कर सकते हैं, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपके पास एक्सिस बैंक का इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है, कैसे आपको अपना यूजर आईडी पासवर्ड प्राप्त करना है, तो यहाँ पर लॉगिन आईडी डालेंगे और यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद यहाँ लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आप एक्सिस बैंक की इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन हो जाएंगे और कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सर्विसेज का, सर्विसेज वाले ऑप्शन से ही आप यहाँ पर कुछ भी चीज़ अपडेट कराना हो तो करा सकते हैं। यहाँ पर माई प्रोफाइल मिलेगा, माई प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नया विंडो आएगा। यहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थ अपडेट करा सकते हैं, ईमेल एड्रेस अपडेट करा सकते हैं, पैन कार्ड भी अपडेट करा सकते हैं, KYC कंफर्म कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे आपको एड्रेस अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, अपडेट एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस भी सिटी में आप मूव हुए हैं वो रिसेंटली एड्रेस को अगर चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास उस एड्रेस का कोई भी प्रूफ होना चाहिए, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया या फिर वोटर आईडी कार्ड हो गया। नीचे यहाँ पर अपडेट नाउ पर क्लिक करेंगे तो अगेन आपके सामने एक पॉपअप खुलकर आएगा, थोड़ा आपको वेट करना है। नीचे यहाँ पर देख सकते हैं कि जब आप एड्रेस अपडेट कराना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, उसके बाद अगेन आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि आप जो भी एड्रेस अपडेट कराना चाहते हैं उसको परमानेंट एड्रेस बनाना चाहते हैं या फिर कम्युनिकेशन एड्रेस। अगर आप दोनों उसको बनाना चाहते हैं कि परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन दोनों बन जाए तो यहाँ ऊपर आपको सेलेक्ट ऑल करना है। अगर आप परमानेंट बस बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर कम्युनिकेशन में जो मार्क लगा है इसको हटा देंगे तो परमानेंट बन जाएगा। अगर दोनों बनाना चाहते हैं तो दोनों पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर अपडेट एड्रेस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर किस डॉक्यूमेंट के थ्रू आप अपना वेरीफाई करेंगे एड्रेस, यहाँ पर आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी, तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड के थ्रू करूँगा। यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर OTP आएगा। जो आपका OTP आएगा उस OTP को आपको यहाँ पर डालना है। मेरे नंबर पर OTP आ गया, OTP हम यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट करते हैं तो यहाँ पर आपका डिटेल्स आ जाएगा, जैसे आपका नाम, आपका एड्रेस, जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस रहेगा तो यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, अगर आप कोई भी डिफरेंट एड्रेस लेना चाहते हैं तो यहाँ पर इंटर डिफरेंट एड्रेस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना एड्रेस अपडेट करा सकते हैं। यानी जो भी एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है तो यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एरिया, लोकेलिटी या फिर कॉलोनी डालना है, यहाँ पर लैंडमार्क डालना है। उसके बाद यहाँ पर आप पिन कोड डालेंगे तो जो आपका डिस्ट्रिक्ट रहता है और स्टेट रहता है तो यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका अकाउंट एड्रेस और यहाँ पर रेफरेंस आईडी आपको मिल गया और यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों आपका चेंज हो चुका है और यहाँ पर सक्सेसफुली अपडेट भी हो गया है आपके अकाउंट में। तो यहाँ पर आपको इसको ओके कर देना है। अब यहाँ से आपका एड्रेस तो अपडेट हो गया है। तो चलिए अब अपने नेट बैंकिंग के एड्रेस में चेक कर लेते हैं कि हमारा एड्रेस ऑनलाइन अपडेट हुआ है या फिर नहीं। तुरंत ही अपडेट हो जाता है, इसको हम क्लोज करेंगे इस विंडो को। उसके बाद अगेन सर्विसेज में आएंगे, प्रोफाइल में आएंगे, यहाँ पर अपडेट एड्रेस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपडेट नाउ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक पॉपअप खुलकर आएगा, थोड़ा आपको वेट करना है। यहाँ पर देख सकते हैं वी हैव नोटिस दैट यू हैव अपडेटेड योर एड्रेस टूडे, यू कैन नॉट अपडेट योर एड्रेस मोर। यानी आपने अपना एड्रेस अपडेट कर लिया है, आप एक दिन में एक बार से ज़्यादा एड्रेस अपडेट नहीं करा सकते हैं, आपका एड्रेस अपडेट हो चुका है।
तो इस तरीके से दोस्तों आप एक्सिस बैंक में ऑनलाइन एड्रेस अपडेट करा सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं Nilesh094, या फिर पर्टिकुलर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से ही फॉलो कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह नॉलेजेबल एंड यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नोटापिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।